नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संतोष वर्मा। आज बिहार आए हैं दोस्तों। बिहार अजगैबीनाथ मंदिर जहाँ सुल्तानगंज में स्थित है दोस्तों, वहीं पे आज आए हैं दोस्तों। वहाँ का पूरा फुल वीडियो दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बिहार के सुल्तानगंज। सुल्तानगंज मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर अजगैबीनाथ बाबा मंदिर है। आज वहीं पे हम पहुंच चुके हैं। आप लोगों को सारा इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों, पूरा फुल वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ प्रवेश द्वार है अजगैबीनाथ मंदिर का। यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है चढ़ने का। अजगैबीनाथ बाबा मंदिर जाने का रास्ता है दोस्तों। गंगा नदी है दोस्तों। यहीं पे श्रद्धालु लोग, भक्त जनों लोग यहीं पे स्नान करके पूजा पाठ करते हैं अजगैबीनाथ मंदिर में दोस्तों। यहीं से गंगा जल कांवरिया लोग आते हैं, यहीं से स्नान करके पूजा वूजा करके यहीं से डब्बा में गंगा जल भर के ले जाते हैं दोस्तों। बाबा बैद्यनाथ धाम जो झारखंड में स्थित है दोस्तों, देवघर जिले में, वहीं पे सब कांवरिया लोग आते हैं, यहीं से जल उठा के श्रद्धालु लोग, भक्त जन लोग, कांवरिया लोग यहीं से जल उठा के अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा करते हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में पूजा करते हैं, बाबा बासुकीनाथ दुमका में पूजा करते हैं दोस्तों। यहीं से गंगा जल ले जाते हैं, यहीं का जल पवित्र है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों, यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है अजगैबीनाथ बाबा मंदिर, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है दोस्तों। यहाँ आइए, आप लोग सावन में आइए, यहाँ बहुत सावन में बहुत भक्त कांवरिया लोग का भीड़ होता है दोस्तों। यहाँ पूरा विश्व में सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों सावन में दोस्तों। आइए आप लोग एक बार। अजगैबीनाथ घुसने के बाद आप सिंपली से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लॉकडाउन के कारण उतना भीड़ भाड़ नहीं है दोस्तों। अजगैबीनाथ जो पुल के राइट साइड से नीचे उतरते हैं, यहाँ पे नहाने वहाने का सारा चीज़ व्यवस्था है दोस्तों। यहाँ पे गंगा जल ले जाने के लिए यहाँ पे बोतल ये सब का व्यवस्था है दोस्तों। यहाँ पे ख़रीद के आप सुल्तानगंज यहाँ कांवरिया लोग जल उठा के वहाँ देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में चढ़वाते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहीं पे पूजा होता है दोस्तों। ये मंदिर अजगैबीनाथ मंदिर है दोस्तों, यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है सुल्तानगंज का। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ सारे चीज़, यहाँ दुकानें, पूरा पूजा पाठ का जो यहाँ पे स्नान किया जाता है दोस्तों। यहाँ गंगा जल यहीं पे नहा के उसके बाद पूजा किया जाता है दोस्तों। ये गंगा नदी है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सीढ़ी है। देखिए दोस्तों अजगैबीनाथ मंदिर, यहाँ गंगा जल उठा के यहीं से हम लोग निकलते हैं दोस्तों। गंगा जल डब्बा में लेके उसके बाद जाते हैं देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम, वहीं जल चढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ चढ़ाने के बाद ये अजगैबीनाथ मंदिर है, यहीं से कांवरिया लोग ले जाते हैं जल। लॉकडाउन के कारण बाबा बैद्यनाथ धाम में ऑनलाइन ई पास बनाना होता था दोस्तों। हम लोग ई पास बना के बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर गए थे दोस्तों। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पुल से शूट हो रही है दोस्तों, पुल से कैसा व्यू देखते हैं। देखिए वो बगल में मस्जिद है, इधर अजगैबीनाथ मंदिर है और बीच में गंगा नदी बहती है। यहीं पे शिवलिंग ध्वस्त हुआ था दोस्तों। अजगैबीनाथ मंदिर देखिए कितना प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पे कांवरिया लोग पूजा करके उसके बाद बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के बाद फिर बाबा बासुकीनाथ दुमका जाते हैं दोस्तों। ये देख पा रहे हैं, ये पुल है दोस्तों, बहुत लंबा पुल है दोस्तों। इधर पूरा बरसात के समय में पूरा पानी भर जाता है दोस्तों। यहाँ का व्यू देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों। लॉकडाउन के कारण देखिए गाड़ी गाड़ी सब पूरा
वहाँ तक चली जाती है दोस्तों। आज गैबीनाथ मंदिर है उसके नीचे तक चली जाती है, और बरसात में इधर पूरा भीड़ रहता, पानी आने के कारण इधर नहीं आ पाती गाड़ी। अभी तो पानी इधर कम हो गया है, गंगा नदी देखिए वहाँ पे पुल भी बन रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा पुल ये सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर है दोस्तों। हम देख पा रहे हैं इधर मस्जिद है, और इधर घर, सुल्तानगंज के घर मकान ये सब है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये पुल है, काफी अच्छी अच्छी जगह है दोस्तों। आप यहाँ एक बार आइए और अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा कीजिए दोस्तों। यहाँ से जल उठाइए और देवघर, देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जल उठा के चढ़ाइए वहाँ पे। सावन में आइए, बहुत भीड़ होता है दोस्तों यहाँ, बोलबम कांवरिए लोगों को का भीड़ होता है बहुत। यहीं से जल उठा के देवघर में पूजा किया जाता है दोस्तों। ये बिहार के सुल्तानगंज में है दोस्तों। यहाँ से सुल्तानगंज आने के बाद अब यहाँ से ऊपर यहाँ शुरू होता है दोस्तों, यहीं से पुल स्टार्टिंग है दोस्तों, यहीं से घुसते हैं दोस्तों। उसके बाद इधर सब दुकानें हैं दोस्तों, इधर पूजा पाठ बोतल वगैरह इधर भी मिलता है दोस्तों, वहाँ भी मिलता है दोस्तों, वहाँ भी ले सकते। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।